मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने कुर्सी संभालते ही राज्य में बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मोहन यादव ने एमपी में सबसे पहले खुले में मांस की दुकानों पर एक्शन लेने की बात अपनी पहली कैबिनेट में कही थी और इस पर तुरंत एक्शन लेना भी शुरू कर दिया गया है। एमपी में खुले में मीट की दुकानों पर मध्य प्रदेश सरकार ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल की तर्ज पर एमपी में भी मीट की दुकानों पर बुलडोजर एक्शन किया गया। एमपी के सीएम ने इसकी शुरुआत उज्जैन से की। यहां अवैध मीट की दुकानों पर बुलडोजर चला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर उज्जैन शहर के नागझीरी क्षेत्र में बिना अनुमति चल रही मांस की दुकानों पर ये कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीमें शहर के अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। पूरे शहर में इसको लेकर घोषणाएं की गई हैं। अधिकारियों ने इसको लेकर कहा है कि खुले में मांस बेचने वाली लगभग 10 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सड़क किनारे स्थित कुछ दुकानों को भी नगर निगम ने ध्वस्त किया है। बता दें कि सीएम का पदभार संभालने के तुरंत बाद एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। सीएम मोहन यादव ने खुले में मांस बेचने और धार्मिक स्थानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के अनियमित उपयोग पर बैन लगाने का आदेश जारी किया था। इसके तुरंत बाद अब प्रशासन इन दोनों आदेशों को लागू करने में जुट गया है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।